अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी राबिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज की वीडियो है ईद स्पेशल वाइटनिंग फेशियल एट होम, जिसमें आपने बहुत ही इजी 3 स्टेप्स को फॉलो करना है और आपकी स्किन को मिलेगा इंस्टेंट ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग इफेक्ट। इस फेशियल का रिजल्ट आप मेरे फेस पर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने किसी किस्म का कोई मेकअप, कोई डे क्रीम या बीबी क्रीम भी अप्लाई नहीं की हुई। जस्ट मैंने एक लिपस्टिक लगाई है और मैंने ये 3 स्टेप्स का फेशियल किया है। इवन मैंने फेस वॉश के साथ अपना चेहरा भी वॉश आउट नहीं किया और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर, फ्रेश और ब्राइट लग रही है। बहुत ही इवन आउट, सिंपल और सॉफ्ट लुक दे रही है। सो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी हिट करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग। तो क्लिनजर तैयार करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 4 से 5 चम्मच कर्ड यानी कि दही। उसके अंदर आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड करना है। फिर हम अपने फेशियल का किंग इंग्रेडिएंट बीट रूट यानी कि चुकंदर का जूस ऐड करेंगे और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो आपका क्लिनजर तैयार हो जाएगा। आपने अपने धुले हुए फेस के ऊपर इस क्लिनजर को अप्लाई करना है और कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप इसको अपने फेस के ऊपर लगा रहने देना। इसका मसाज करना अपने फेस के ऊपर। जब ये ड्राई आउट हो जाएगा तब भी आप इसको वॉश आउट करना। अच्छा, बीट रूट में इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपकी स्किन के ऊपर जो गर्मी की वजह से डार्कनिंग होती है या सन टैन हो जाता है, सो ये उसको बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। इंस्टेंटली रिमूव करके आपकी स्किन को फ्रेश, ब्राइट और ग्लोई इफेक्ट देता है। फर्स्ट स्टेप यानी कि क्लिनजिंग के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन लग रही है, क्योंकि ये क्लिनजर आपकी स्किन की डीपेस्ट लेयर में जाके जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ये उसको रिमूव करेगा और आपकी स्किन का जो एक्सेसिव ऑयल है ये उसको कंट्रोल करेगा। और फर्स्ट स्टेप के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और यंगर लुकिंग लग रही है। स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लुक दे रही है। अगर आप सिर्फ इस एक स्टेप को भी फॉलो करते हो ना तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, ग्लोई होगी। हमारा सेकंड स्टेप है स्क्रब। और स्क्रब बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। उसके अंदर आपने 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच ही ब्राउन शुगर का ऐड करना है। फिर इन चीज़ों में आपने ऐड करना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड है और कोशिश किया करें कि हमेशा कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप हाफ लेमन भी इसके अंदर स्क्वीज़ कर सकते हो। और इन चीज़ों को आपने मिक्स करने के लिए इसके अंदर ऐड करना है चुकंदर का जूस और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माइल्ड सा, जेंटल सा एक्सफोलिएटर तैयार हो गया है। इससे आपकी स्किन की जितनी भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। क्लिनजर रिमूव करने के बाद आप स्क्रब अप्लाई करना अपने फेस के ऊपर और इसको कम से कम 15 मिनट तक अपने फेस के ऊपर लगा रहने देना। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप अपने हाथों को, अपने फेस को अच्छी तरह से वेट करना यानी कि गीला करना और फिर हल्के सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करना। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसका मसाज करोगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप इसको मसाज करना और उसके बाद आप इसको प्लेन वाटर के साथ वॉश आउट कर देना। इससे आपके स्किन के डेड सेल्स रिमूव होंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर और रिजुविनेट हो जाएगी। प्लस अगर आपके फेस पर ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं तो वो भी पॉपअप हो जाएंगे और आप उसको इजीली ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूविंग पिन की मदद से उनको रिमूव कर सकते हो। सो हमारा थर्ड स्टेप है फेस पैक। और अब हम देखते हैं कि हमने फेस पैक किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए आपने लेना है 1 टीस्पून व्हीट फ्लावर यानी कि गंदम का आटा। इसके अंदर आपने हाफ टीस्पून हनी यानी कि शहद का ऐड करना है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम अपना किंग इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे यानी कि बीट रूट का जूस। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करोगे तो आपका बहुत ही माइल्ड सा, बहुत ही क्रीमी सा फेस पैक रेडी हो जाएगा। कहने को ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा सुपर इफेक्टिव हैं। सो आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे और कम से कम आप इसको 15 मिनट तक अपने फेस के ऊपर लगा रहने देना। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसको वॉश आउट कर दोगे। सो गाइज, ये आसान से 3 स्टेप्स फॉलो करने से आपको मिलेंगे इंस्टेंट बट अमेजिंग रिजल्ट्स। आप ईद से पहले 2 दफ़ा इस फेशियल को करो। आपकी स्किन की जितनी भी डार्कनिंग है, जितनी भी डलनेस है, जितनी भी टैनिंग है आपकी स्किन के ऊपर से रिमूव हो जाएगी। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर, फ्रेश, ब्राइट हो जाएगी, सॉफ्ट होगी, इवन आउट होगी। सो गाइज, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।